नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, बट फिर भी अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि वो ईवी ले या पेट्रोल ले। और यहाँ पे ये कविश जी आहूजा जी है, उन्होंने सवाल पूछा है। हाय, थैंक्स फॉर एजुकेटिंग, ये मेरे वीडियोस देखते पहले से। माई डेली रन इज ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर। इनका कहना है कि रोज मैं 5 या 10 किलोमीटर की गाड़ी चलाता हूँ। शुड आई गो फॉर पेट्रोल स्कूटी और ईवी? पेट्रोल लेना चाहिए या ईवी लेना चाहिए? ओके, एंड विच ईवी स्कूटर डू यू रेकमेंड? मैं कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर रेकमेंड करूंगा? आई वॉन्ट टू परचेस ओनली ईवी विथ कीज एंड बेसिक मॉडल। तो ये बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया इन्होंने। उनको कुछ हाई फंडू बहुत सारे फीचर्स वाले स्कूटर नहीं खरीदने, इनको एक बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो सिर्फ कम्यूट के लिए हेल्प करेगा, और इनका कम्यूट 10 किलोमीटर का मैक्सिमम है। तो भाई आपने सवाल पूछा है, पहले दो इसको सवालों को मैं इसको डिवाइड करता हूँ। पहले ईवी ले या पेट्रोल ले उसका जवाब दूंगा, एंड सेकेंडली देना आई विल आंसर कि अगर आपको 10 किलोमीटर चलाना है, ईवी लेना है, तो कौन सा ईवी लेना है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लेना चाहिए। पहला जो है रनिंग कॉस्ट का, अगर आप कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा आपको मैं ईजी करके बता देता हूँ। अगर आप रनिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे, तो रनिंग कॉस्ट जो है ईवी की वो 1/10 है। ओके, इट इज 1/10, मतलब अगर आपको महीने का खर्चा 1000 रुपये आ रहा है पेट्रोल के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में आपको 100 रुपये ही लगेगा। ओके, 1/10, ओके 1/10, इलेक्ट्रिक व्हीकल रनिंग कॉस्ट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ पेट्रोल स्कूटर। तो आप 5 किलोमीटर रोज चलाओ, 10 किलोमीटर रोज चलाओ, या 50 किलोमीटर रोज चलाओ, अगर आप मंथली कैलकुलेट करोगे, मंथली आपने 500 किलोमीटर चलाया, या रोज के आप 10 किलोमीटर चलाते हो, तो मंथ के 30 दिन होते हैं, पकड़ लो 300 किलोमीटर हो गया। 300 किलोमीटर के लिए, ओके 300 किलोमीटर के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज एवरेज ऑफ सपोज पेट्रोल मोपेड टू बी 40, ओके इसको 40 से डिवाइड करो आप, तो लगभग क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 point something, मैं इसको 8 कर लेता हूँ। ओके, 8 लीटर पेट्रोल आपको लगेगा। ओके, लगभग 300 किलोमीटर जाने के लिए 40 का अगर आपको एवरेज मिल रहा है, तो लगभग 8 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगर आप 8 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालोगे, 100 रुपीज कंसिडर करोगे पर लीटर कॉस्ट, तो आपको लगेगा 800 रुपये। कितना रुपया लगेगा? 800 रुपया लगेगा पेट्रोल के लिए। बट यही अगर आप ईवी से करोगे, तो आपको 80 रुपया लगेगा। मतलब मंथली आप बहुत तगड़ा सेविंग, 720 रुपये का सेविंग कर रहे हो। अभी ईवी के लिए इतना कम कॉस्ट क्यों लगता है? लेट्स अज्यूम कि आपने 3 किलोवाट आवर वाला स्कूटर लिया, 3 किलोवाट आवर वाला स्कूटर लिया, तो वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। ओके, 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब फुल चार्ज होगा तो वो स्कूटर 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। एक यूनिट के कॉस्ट में 5 रुपये पकड़ लूँ, या थोड़ा बढ़ा के बोल देता हूँ 7 रुपये पकड़ ली एक यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 21 रुपये उसको चार्जिंग को लगेंगे। कितना रुपये लगेगा? 21 रुपये। अगर आपका स्कूटर एक बार चार्जिंग में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 300 किलोमीटर जाने के लिए उसको 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक बार चार्जिंग कर रहे हो आप, तो वो 100 किलोमीटर जा रहा है। ओके, तो अगर आपको 300 किलोमीटर चलाना है, तो इसको आपको 3 बार चार्ज करना पड़ेगा, तब ये 300 किलोमीटर चलेगा। और 3 बार चार्ज करोगे तो 3 × 21 अगर आप करते हो, तो ये 63 रुपीज हो जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 63 रुपीज लगेंगे। मैंने तो यहां पे आपको 80 रुपए बोले पेट्रोल के, 800 रुपए डिवाइड बाय 10 करोगे तो 80 रुपए ईवी के बन जाएंगे। बट इफ यू सी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, तो लगभग आपको 63 रुपीज ही लगेंगे। थोड़ा सा आपने गाड़ी फास्ट चला लिया, तो जायज 80 रुपीज लगेंगे, 100 रुपीज लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पे सेविंग देखो आप कितना हो रहा है। तो ये मंथली सेविंग, आप 5 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, 100 किलोमीटर गाड़ी रोज चलाओ, ये कैलकुलेशन जैसे आप करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल सेविंग कितना हो रहा है। बट ये तो एक ही मैंने बात बोली रनिंग कॉस्ट की। बाकी अगर आप देखो, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो जिसमें ज्यादा फीचर्स नहीं है, जिसमें म्यूजिक सिस्टम, नेविगेशन, कॉलिंग, ये रिका में चीजें है ही नहीं, सिर्फ उसमें मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, फिजिकल की है, तो उसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। ओके, आप बिल्ड क्वालिटी अच्छी ले लो उसमें, मैं कुछ ऑप्शंस आपको दूंगा। बिल्ड क्वालिटी आप अच्छे ले लो, तो आपको उसमें ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, लाइफ भी तगड़ी मिलेगी। तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि रनिंग कॉस्ट में बेनिफिट है ही, बट उससे भी तगड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है सर्विस में। ओके, सर्विस बहुत तगड़ी है ईवी में। आपको सर्विसिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप बोलोगे भाई ओला की तो गाड़ियाँ पड़ी रहती है सर्विस सेंटर पे, भाई वो ओला है।
ओके मैं एक बेसिक स्कूटर बोल रहा हूँ जो फिजिकल की वाला होता है, जिसकी मोटर बैटरी कंट्रोलर अच्छे रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो सर्विस कॉस्ट नहीं होती, इसमें ऑयल चेंज नहीं होता, इंजन का मेंटेनेंस नहीं होता। अगर बेल्ट ड्राइव आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लो तो शायद बेल्ट आपको बदलना पड़े। तो सर आपने जो सवाल पूछा है उसका एकदम डिटेल में जवाब दे रहा हूँ। आई होप अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। आप भी लोग कन्फ्यूजन में जा रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लें या इलेक्ट्रिक लेना ही चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो है। ओके तो पहले सर्विस पे कॉस्ट बढ़ गई, रनिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो ये कन्फर्म हो गया कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। अगर आप ये कैलकुलेशन 5 साल के लिए करोगे, डू दिस कैलकुलेशन फॉर 5 ईयर्स, तो आपको ये 800 रुपये महीने को लग रहे हैं ना, आप करके देखो 800 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्यों किया, 60 महीने है, 5 साल में 60 महीने आते हैं, तो 800 × 60 करोगे तो ये 3 जीरो तो आ गए। ओके एंड 8386 ओके इट इज 48,000 रुपीज। ओके 60 महीने के लिए इसमें 48,000 रुपीज लगेंगे और इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें बहुत कम 3600 रुपये के आसपास लगेंगे। तो देखो आप 3600 रुपये यहाँ पे लगेंगे, मैं 3600 को 4000 कर देता हूँ, यहाँ पे 4000 रुपये लगेंगे 5 साल में, यहाँ पे फिर सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ 48,000 लग जाएंगे, तो यहाँ पे ही आप देखो कितना सेविंग हो रहा है। तो बहुत लंबी लाइफ चलेगी आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर, रनिंग कम है तो भी इलेक्ट्रिक ही लूँगा, ज़्यादा है तो भी इलेक्ट्रिकली सुटेबल है ऐसा मुझे लगता है। अभी आई होप ये आपको क्लियर हो गया, पॉज करके आप इसको देख सकते हो, पीछे जाके आगे करके देख सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। अभी अगर आपको लेना ही है सिंपल वाला जिसमें ज़्यादा फीचर्स ना हो, तो पहला ऑप्शन मेरे सामने आता है TVS का। TVS का iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर है सर, वो आप ले सकते हो, बट इसमें एक ही है कि इसका जो पहिया है उसमें मोटर डाला है, तो आप जब ओबड़ खाबड़ रास्ता है या बहुत सारा पानी जमा हुआ चुका है या रास्ता अच्छा नहीं है, उसमें से आप गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि इसमें BLDC हब मोटर आती है, BLDC हब मोटर आती है इसमें, तो थोड़ा सा इसमें ख़राब है ऐसा नहीं बोलता, बट आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है भाई, मैं बोलूँगा बजाज का। ओके बजाज की जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है एकदम अच्छी है, और ये चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसमें बहुत सारे वर्जन अभी आपको मिल जाते हैं। लेट मी इरेज दिस, अरे भाई कभी कभी एरर दे देता है ये, ठीक है। ओके सो चेतक आप ले सकते हो, चेतक में 2903 एक मॉडल है जो आपको 1 लाख 1 लाख 20 तक ऑन रोड मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो, पूरा मेटल बॉडी में आ जाता है। IP67 की मोटर बैटरी है इसकी, TVS की और बजाज की भी है, तो ये दो ऑप्शन आप देख सकते हो, एकदम मतलब बेसिक फिजिकल की के साथ आएंगे। इसका बेस वेरिएंट लेना, एस वेरिएंट नहीं लेना, और इसका भी बेस वेरिएंट ले आप तो उसमें फिजिकल की मिल जाएगी। तीसरा मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप मतलब चला के देख सकते हो, ये हीरो का विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, विडा का V1 Plus भी आपको ठीक हो जाएगा, हीरो विडा का V1 Plus। आप बोलोगे भाई आप ओला क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ओला में फिजिकल की वाली गाड़ियां हैं, बट बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे उनका लगता है। तो मैं बोलूँगा ये 2-3 गाड़ियां जो है ना, इनका टेस्ट राइड लेना। अपने जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने वीडियो करने को बोला था, जल्दी से उनका नाम एक बार मैं बोल देता हूँ, कविश आहूजा जी, आई होप कविश आहूजा जी, आपको डेली रनिंग 10 किलोमीटर के लिए EV लेना चाहिए क्या नहीं, ये क्लियर हो गया, और लेना है तो कौन सा लेना है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हैव अ टेस्ट राइड ऑफ बजाज चेतक, हैव अ टेस्ट राइड ऑफ TVS iQube एंड ऑल्सो हीरो मोटोकॉर्प विडा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लैंड, एंड आई होप कविश जी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।